लालू प्रसाद यादव ने बीफ खाने को लेकर विवादित बयान दिया है। लालू ने कहा कि हिंदू भी बीफ खाते हैं, हालांकि लालू ने यह भी कहा कि बीफ नहीं खाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने इसे चुनावों के दौरान मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बयान करा दिया है। अरे पूरा इस देश को कम्युनलाइज करना चाहता है, बीफ जो खाता है खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है, अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय आप बकरा से क्या फर्क है भाई? ये तो कम्युनलाइज कर रहा है। कोई भी सभ्य आदमी मांस नहीं खाता है बीमारी की वजह से, कोई गरीब कहीं खाए मतलब नहीं खाना चाहिए, ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। हमारे लालू भाई अब यह कह रहे हैं कि हिंदू भी गोमांस खाते, इसे क्या कहने की जरूरत है? कौन हिंदू खाता है, मुसलमान खाता है, ईसाई खाता है, पारसी खाता है, कौन खाता है नहीं खाता? चुनाव के दौरान इन सब सारी चीजों की चर्चा करने की जरूरत आपको क्यों? क्या कहा? क्यों आप इस बिहार की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाकर और बिहार की जनता को गुमराह करके आप उसका वोट हासिल करना चाहते? लालू ने कहा कि दादरी से तो पूरी दुनिया में बीफ का एक्सपोर्ट होता है, जबकि राजनाथ सिंह ने लालू को याद दिलाया कि कृष्ण के वंशज होकर उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दादरी में एनिमल मीट को स्लॉटर में काट के और दुनिया भर में भेजा जाता है, ये कौन कौन लोग है थोड़ा नाम जाके पढ़ो। इससे भी जो बीफ है खास करके हम लोग गाय माँ है या बैल है कोई है, ये सब खाने से बीमारी होता है, नहीं खाना चाहिए। लालू जी मत बोलिए, आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं लालू जी, और केवल राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए और केवल सरकार बनाने के लिए कम से कम अपने वसूलों और सिद्धांतों से और अपनी परंपराओं से समझौता मत कीजिए, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। लालू के बयान का मतलब क्या है? बीफ सब खाते हैं, बीजेपी से एक समुदाय से जोड़कर सांप्रदायिक मुद्दा बना रही है, बिहार में अल्पसंख्यकों को लुभाना चाहते हैं, बीजेपी को दादरी पर ध्रुवीकरण के फायदे से रोकना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।